हेलो फ्रेंड, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हम इस वीडियो में पग डॉग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम पग डॉग की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, गुड टेम्परामेंट। पग डॉग का गुड टेम्परामेंट मतलब कि ये बहुत शांत नेचर का डॉग होता है। ये अपने आसपास बच्चों को, चिल्ड्रंस को पसंद करता है अपने आसपास, उनके साथ अच्छा घुल मिल जाता है, उनके साथ खेलता है अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा सोशल डॉग है ये। आप मतलब कि अपनी फैमिली मेम्बर्स या और रिलेटिव्स अगर आपके पास आएंगे तो ये बहुत सोशल है, ये उनके पास जा जा के खेलेगा उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है। और सेकेंड पॉइंट, गुड अपार्टमेंट डॉग। पग डॉग जो है उसको ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं है, मतलब हम थोड़े छोटे जगह पे उसको रख सकते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनमें अपने पग डॉग को रख सकते हैं। ये ज़्यादा स्पेस की इनकी डिमांड नहीं होती इतनी ज़्यादा। थर्ड पॉइंट, फ्रेंडली टू अदर पेट्स। मतलब ये आपके घर में अगर और पेट्स हैं, और मतलब कि जैसे कैट होगी या और डॉग हो गए, अगर आपके घर में और पेट्स हैं तो उनके साथ ये फ्रेंडली नेचर होता है, उनके साथ लड़ेंगे नहीं। थोड़ा टाइम कम लगेगा इनको उनके साथ घुल मिल जाने के लिए, और ये उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, साथ में खेलेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक, अगर आपके घर में और पेट्स है और आप पग को लेके आना चाहते हो तो आप इसके लेके आ सकते हो। इससे अगला पॉइंट, लो एक्सरसाइज डॉग। आपको पग को इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अब कई डॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर या मीटर रेस करवानी पड़ती है, रनिंग करवानी पड़ती है, वॉक पे लेके जाना पड़ता है। आप अगर पग डॉग के साथ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, हाफ एन आवर ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ पार्क में खेलेंगे बॉल के साथ, या फिर इसके साथ खेलोगे, तो ये इसके लिए सफिशियंट है। इससे अगला पॉइंट मैं आपको डिस्कशन करता हूँ कि लाइफ स्पैन। पग डॉग का एक डिसेंट लाइफ स्पैन है, मतलब 10 से 12 साल के बीच में। तो ये अच्छे ज़्यादा लाइन टाइम पीरियड के लिए आपके साथ रह सकता है और आपका बहुत अच्छा साथी बन सकता है, दुख सुख का साथी बन सकता है। और आपके अगर आप कई बार ऑफिस से आते हो, कहाँ से कहीं और से टेंशन में आते हो, तो इतना फनी होता है, आप इसको देख के, इसके साथ खेल के आप सारी टेंशन आपकी दूर मिट चली जाएगी। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके साथ रहोगे और बहुत अच्छी तरीके से ये डॉग आपके साथ रहेगा। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहली डिसएडवांटेज, हेल्थ इश्यूज। पग डॉग में कई सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, आईज इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा। जैसे कई बार हम खाना खिलाते हैं डॉग को तो उसके जो फेस में रिंकल्स होते हैं उसके बीच में खाना फंस जाता है, तो उसकी वजह से, और उसको हम साफ नहीं करते तो, और ना डॉग कर पाता, तो उसके वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इरिटेशन हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान दें, इस चीज़ को साफ करें। अगला पॉइंट, ओबेसिटी। पग डॉग बहुत आसानी से ओवरवेट हो जाते हैं, और ओवरवेट होने के बाद इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ध्यान दें कि इसको एक लिमिटेड बैलेंस डाइट दें आप। अगला पॉइंट, टॉलरेट ये ज़्यादा नहीं करता हीट, मतलब हीट टॉलरेट नहीं होती इससे, और ना ये ज़्यादा ठंड में और ना ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता। हीट स्ट्रोक इसको बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसका ध्यान दें कि एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्रेशन। पग डॉग बहुत आसानी से डिप्रेशन में आ जाता है अगर ये अकेला रहे, मतलब कि आप ध्यान रखें, अगर आप इस डॉग को खरीद रहे हो या इस डॉग को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा ट्रैवल ना करते हो, और अगर ट्रैवल करते हो तो इसको साथ में लेके जाए, मतलब इसको टाइम देना पड़ेगा आपको इस डॉग को। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जाओ रात को आओ, या फिर मतलब इसको टाइम ना दो तो फिर ये सोशल डॉग है, ये मतलब कि डिप्रेशन में आ जाता है। अगला पॉइंट, इसको ये जो फ्रेश होने में या टॉयलेट करने में जो दिक्कत आती है घर में, मतलब आसानी से ट्रेन नहीं होता ये, इसको और डॉग्स से ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेन होने में कि ये जो टॉयलेट है ये बाहर करे, जब मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में बाहर करे, जैसे बैकयार्ड में या फिर पार्क में, ये इसको टाइम लगता है और डॉग्स से। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप लाइक करोगे तो हमें और अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।